हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ शमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शमास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी कहीं जाना होता है, लाइक पार्टी में या कोई भी ओकेजन में, छोटी मोटी गेट टुगेदर में, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फर्स्ट हमारा मेकअप। और मेकअप में जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो होती है एक फाउंडेशन, कि हम अपना जो राइट फाउंडेशन है वो कैसे चूज़ करें और किस तरह से हम अपने फेस का स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड को चूज़ करें। कई बार क्या होता है, हमारा फेस जो है, जब भी हम उसमें कोई फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइक डार्क हो जाता है। लगाने के बाद चेहरा हमारा काला काला दिखने लगता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। जब आप अपना स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन शेड चूज़ नहीं करते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। और तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप अपना स्किन टोन कैसे सर्च करो, कैसे देखो कि आपका स्किन टोन क्या है। मैं वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स होते हैं। सो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन की 40 शेड्स हैं, जिसमें से 18 शेड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। सो कौन सा शेड आपकी स्किन से मैच करेगा, इसके लिए आपको आपके अंडरटोन के बारे में जानना होगा। सो अंडरटोन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो बहुत से लोगों को अपना अंडरटोन नहीं पता होता है। सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अंडरटोन होते हैं, कूल और पिंक अंडरटोन, वार्म और येलो अंडरटोन और न्यूट्रल अंडरटोन। सो फर्स्ट टेस्ट है वेन टेस्ट। इस टेस्ट में आप अपनी वेन को देखिए, अगर आपकी वेन ब्लू कलर की या पर्पल कलर की है तो आप कूल यानी कि पिंक अंडरटोन के हैं, और अगर आपकी वेन ग्रीन कलर की है तो आप वार्म यानी कि येलो अंडरटोन के हैं, और अगर आपकी वेन का कलर दोनों ही कलर है, मतलब ब्लूइश और ग्रीनिश है, या आपको कोई अपना कलर समझ नहीं आ रहा है, तो आप की जो स्किन टाइप है वो न्यूट्रल अंडरटोन की है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड टेस्ट की तरफ, जो कि है सन टेस्ट। इसमें अगर आप धूप में निकलते हैं और आपकी स्किन सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा रेडिश या फिर बहुत ही ज़्यादा रेडनेस आ जाए आपकी स्किन पे, तो आप कूल यानी कि पिंक अंडरटोन के हो। पर अगर आप धूप में निकलते हैं और धूप की वजह से अगर आपकी स्किन टैन हो जाती है तो आप येलो यानी कि वार्म अंडरटोन के हैं। मोस्टली जो इंडियंस होते हैं वो येलो और न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं। तो आप करते हैं अपना थर्ड टेस्ट, जो कि है ज्वेलरी टेस्ट। अगर आप पे सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है या आप सिल्वर ज्वेलरी में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो तो आप पिंक यानी कि कूल अंडरटोन की हो, और अगर आप पर गोल्डन ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है या आप उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो तो आप येलो यानी कि वार्म अंडरटोन के हैं, और अगर आप पे दोनों ही ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा सूट करती है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी स्किन टाइप को किस तरह का फाउंडेशन लेना चाहिए। लाइक हम लोग की लाइट, डार्क या कॉम्बिनेशन स्किन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है कि कहीं पर लाइट होता है, कहीं पर डार्क होता है, तो उनको कौन सा मतलब फाउंडेशन लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। तो जो फाउंडेशन होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लिक्विड फाउंडेशन, दूसरा होता है क्रीम फाउंडेशन, तीसरा होता है स्टिक फाउंडेशन, और जो चौथा होता है वो है पाउडर फाउंडेशन। सो जो लिक्विड फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में दिखने वाला फाउंडेशन है। मोस्टली लोग लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं, और ये फाउंडेशन किसी भी स्किन टाइप के साथ चला जाता है। लाइक आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, या नॉर्मल हो, या ड्राई हो, कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, उसमें ये ईजिली लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। अब बात करते हैं स्टिक फाउंडेशन की। स्टिक फाउंडेशन स्पेशली ऑयली स्किन पे सूट करता है। ऑयली स्किन क्या करती है ना, मॉइस्चराइज होती रहती है, तो स्टिक फाउंडेशन ऑयली स्किन पे ईजिली मेल्ट हो जाता है। ड्राई स्किन वाले स्टिक फाउंडेशन का यूज़ ना करें। और ये जो फाउंडेशन है ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बजट फ्रेंडली भी स्टिक फाउंडेशन आते हैं, आप उसे चाहो तो ले सकते हैं। और जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो स्टिक फाउंडेशन का यूज़ करते हैं,
और अगर ड्राई स्किन पे आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पैची लगने लगेगी। तो अब बात करते हैं क्रीम फाउंडेशन की। क्रीम फाउंडेशन ड्राई स्किन पे या नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे सूट करता है, क्योंकि ये उसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जो पाउडर फाउंडेशन होता है वो ऑयली स्किन वालों पे सूट करता है। और मैं आपको फाउंडेशन खरीदते समय एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप फाउंडेशन खरीदें तो फाउंडेशन खरीदते समय अपनी स्किन से एक शेड लाइट लेना चाहिए। बट कुछ लोग कहते हैं कि अपनी स्किन से मैच करके शेड खरीदना चाहिए, बट मैं जब भी लेती हूँ तो एक शेड लाइट खरीदती हूँ, क्योंकि बहुत से फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमारी स्किन को डार्क कर देते हैं। सो जब भी आप फाउंडेशन खरीदें तो अपनी स्किन शेड से एक शेड लाइट खरीदें, कि अगर वो ऑक्सीडाइज हो भी तो आपकी स्किन टोन से मैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।